तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी के स्टॉक की। दोस्तों, बड़ी गिरावट के बाद अब एनएचपीसी का स्टॉक फिर एक ब्यूलिश रिवर्सल में दिख रहा है और आज भी इस स्टॉक में 6.21% की रैली जो है वो हो गई है। तो 80s के अराउंड जाके इस स्टॉक में एक ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिला है। बड़ी गिरावट के बाद एक ब्यूलिश रिवर्सल आया है, क्योंकि पहले जो पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वहां पे बड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अब फिर एक रिवर्सल का मोड दिख रहा है। यहाँ पे भी एक रिवर्सल आ रही है, तो आइए इसके भी टारगेट जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट ही समझो। दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 2691 करोड़ था, जो कि दिसंबर 23 में 2550 करोड़ रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक गिरावट है, क्योंकि दोस्तों इसको गिरावट का कारण समझो। ये जो एनएचपीसी सेक्टर की कंपनी है ना, ये हाइड्रो पावर कंपनी है। ये डैम से और वाटर से जो है हाइड्रो पावर जनरेट करती है। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, सर्दियों में जनरली नंबर ढीले ही रहते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि आइस जो है वो जम जाती है पहाड़ों में, और जो प्रोडक्शन है हाइड्रो पावर की वो रिड्यूस हो जाती है, और इवन कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों सर्दियों में एनएचपीसी के स्टॉक में थोड़ा सा जो है अब नंबर डीले रहते हैं। ओवरऑल भी आपने देखा है कि इस साल सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं। लास्ट 50 ईयर्स में इस साल सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं, बहुत ज्यादा आइस पड़ी है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिसके कारण इस कंपनी का थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो मतलब रेवेन्यू में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। प्रॉफिट देख लेते हैं, रेवेन्यू में डाउन ट्रेंड है तो प्रॉफिट में भी डाउन ट्रेंड आएगा ही। यहाँ पे भी देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आना ही था, लेकिन जीरो ऑन जीरो बेसिस पे भी डाउन ट्रेंड आ गया है। लेकिन दोस्तों, अब लोग समझ चुके हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड आया उसका कारण क्या है। जैसे हमने पहले सारा कुछ समझा दिया है, सर्दियों में क्या हुआ, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। लेकिन जैसे ही लोग समझे, इस स्टॉक में फिर एक रिवर्सल आ गया, क्योंकि आगे गर्मियों का सीजन है, अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, और इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। इसमें जो है पावर के प्रोडक्शन, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आने वाले टाइम में बढ़ती आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन देख लेते हैं, वैल्यूएशन वाइज ये जो स्टॉक है 23 के पीई मल्टीपल्स पर है। इंडस्ट्री की पीई रेशियो भी 21 के अराउंड है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 2.28 के अराउंड है, और आरओई परसेंटेज भी ठीक ठाक है, 10% के अराउंड है, डबल डिजिट के नियर है। मतलब फंडामेंटल्स भी ठीक है और वैल्यूएशन वाइज भी कोई ज्यादा स्टॉक महंगा नहीं है। जैसे नीचे गिरा तो वैल्यूएशन और भी सही हो गई थी। तो जैसे ही दोस्तों अब इस स्टॉक में जब तक क्वार्टर फोर के नंबर्स नहीं आते हैं, एक रेंज बाउंड काम होगा। लोअर लेवल पे जैसे हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे आप फिर शो कर देते हैं, लोअर लेवल पे इसका एक सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट जो है वो आपने नोट कर लेना है, ये वन मंथ का चार्ट है दोस्तों, ये इसका लोअर सपोर्ट है, मार्क कर देते हैं 70 के अराउंड है। लेकिन इस बार इस स्टॉक ने फिर इसी 80 के अराउंड सपोर्ट बना लिया है, और हायर लेवल पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो 115 के अराउंड है। ये देख सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस है, और लोअर लेवल पे ये 70 के लेवल्स हैं। अब इसने 80 के अराउंड सपोर्ट बनाया है, तो ये स्टॉक 80 से लेके 120 और 15 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। अब देखो, यहाँ पे पहले रैली हो रही थी, 115 के अराउंड रेजिस्टेंस लगा, फिर बड़ी गिरावट हो गई, और फिर इस स्टॉक में एक रिवर्सल आया। अब फिर ये जो स्टॉक है 115 की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, 80 और 80 के अराउंड सपोर्ट बना के ये स्टॉक अब फिर रिवर्सल शो कर रहा है। अब इसकी करंट मार्केट प्राइस 94 के अराउंड है, तो ये स्टॉक अब फिर जो है अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाता दिखाई दे सकता है, क्योंकि वन ईयर में देखो कितने शानदार रिटर्न्स है, 130% के रिटर्न्स है। और इस स्टॉक में जो ब्रोकरेज की कॉल आई थी वो मिक्स आई थी, कोई ब्रोकरेज इस पे बाई की कॉल दे रहा है, कोई न्यूट्रल की कॉल दे रहा है, लेकिन फिर भी अब लोग इस स्टॉक पे बहुत ही ब्यूलिश हो चुके हैं, इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर जो है पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। गिरावट के बाद वैल्यूएशन भी अब सही हो गई है, तो हमने आपको बता दिया 120 के अराउंड इसका टारगेट लेके आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हो। कोई भी डिप मिलता है इसको एवरेज करते रहो, अकोमोडेट करते रहो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक एक अच्छा है। गर्मियों के बाद ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भागेगा, क्योंकि गर्मियों में पावर प्रोडक्शन भी हाई होगी और कंपनी की ऑर्डर बुक भी क्वाइट स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पे बहुत ही फोकस कर रही है। एनएचपीसी हाइड्रो पावर सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती दिखाई दे रही है, तो हाइड्रो पावर का जो प्रोस्पेक्ट्स है बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए दोस्तों आप भी इस स्टॉक पे फोकस करें और थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस के लिए कंटिन्यू करें। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कोई भी गिरावट आती है आप घबराइएगा नहीं, शॉर्ट टर्म में तो आएगी ही गिरावट, लेकिन कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, वैल्यूएशन सही है,
कंपनी का बिजनेस सही है तो स्टॉक जरूर रिकवर कर जाएगा, क्योंकि कोई भी आप स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आप ये सोच के लगाओ कि आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। 5 ईयर्स में भी देखो ये स्टॉक 296% के रिटर्न दे चुका है, तो इतनी बड़ी रैली आने के बाद कुछ तो गिरावट इस स्टॉक में अब होनी ही थी। तो कुछ टाइम के लिए यदि कंसोलिडेशन होती है तो उसे घबराइएगा नहीं, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। तो कभी अभी इस कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, आप नोट कर लो, 1.40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और उसकी रिकॉर्ड डेट भी आप नोट कर लो 22 फरवरी है, ये आप नोट कर लो। यदि आप इसको 26 फरवरी तक होल्ड करोगे तो आपको जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। कंपनी एक अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इसलिए डरने वाली या घबराने वाली कोई भी यहाँ पे दिक्कत लग नहीं रही है। ओवरऑल डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर है, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो अब 22 फरवरी है। यहाँ पे देख 1.40 का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 14% के अराउंड, और 22 इज द रिकॉर्ड डेट। सो थैंक्स के दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स के